हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दे रखा है, फाइंड मोड यूजिंग एन एम्पिरिकल रिलेशन व्हेन इट इज अ गिवन दैट टू बी द मीन एंड मीडियन आर 10.5 एंड 9.6। हमें क्वेश्चन में इसका मीन दे दिया है जो कि इतना हमारा 10.5 है, एंड इसका मीडियन दे दिया। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमसे 9.6, और हमसे पूछा गया क्या है, मोड। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, तीनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है जेड, यानी कि मोड इक्वल होता हमारा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो मोड हमें फाइंड करना है, तो मोड का मोड रहने दिया यहाँ पे 3, मीडियन कितना है यहाँ पे 9.6 रखा मैंने, 2 मीन, मीन कितना हमारा 10.5। अब 9.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 7.8, ये हमारा मोड होगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए वो नंबर है जो हमने एज्यूम किया था, ये हमारा एज्यूम्ड मेथड है। ठीक, जिसमें एज्यूम करके हम नंबर को सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ हमें दे दिया कितना 100, एच हमें दे दिया 10, सिग्मा एफ यू वो हमें दे दिया माइनस का 30, और हमें बताना है क्या मीन। तो जो एज्यूम्ड मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है 55, एफ यू हमें दे रखा माइनस का 30, सिग्मा एफ दे रखा हमें 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1060 मेरी कैंसिल हो गई, और साथ में इसके अंदर हमें एच भी दे रखा है, एच इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में एच आ जाता है तो एच की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 10, तो 1060 ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 55 माइनस 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52, ये हमारा मीन होगा यानी कि एवरेज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखी है जिसमें x1 x2 x3 x4 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, देखो 5 का 5 पहला नंबर सेम होता है, दूसरा नंबर 5 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा अगला नंबर आता है 5 प्लस 7 12। ठीक है, अगला नंबर देखो x2 में ऐड करने पे हमारा कितना आएगा 18 आएगा, तो x2 की जगह क्या नंबर रखें ताकि 18 आ जाए, तो x2 में रखेंगे 6, 12 6 प्लस 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में क्या ऐड करें 30 आ जाए, इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो हमारी मिसिंग वैल्यू क्या होगी, x1 12, x2 6, x3 23 और x4 हमारा हो जाएगी 7। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।